अपने अपने अभ्यास यथाशक्ति कर सामान्य गति से मध्यम गति से समग्र देव जी लंबे लंबे श्वासों के सामने थोड़े और मजबूत हैं तो दंड बैठक पे लगा लें जिससे जो बन पाए योगिक व्यायाम सूक्ष्म व्यायाम सूर्य नमस्कार दंड बैठक करना एक बार पूरा पसीना चूने लगे कितनी सुहानी सुबह सुहाना मौसम प्रचंड गर्मी और बरसात के बाद अब प्रचंड ठंडा आने वाला और इससे बचने के लिए प्रचंड योगाभ्यास प्रचंड पुष्टा करना ही योगाभ्यास के साथ आज भारतीय सनातन चिकित्सा और शिक्षा के मूल सिद्धांत भी आपको बताएंगे। भारतीय सनातन आयुर्वेदिक नैसर्गिक चिकित्सा ही मूल सिद्धांत है। Thank you.
भुवस्व तत्सु दुर्वरे भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उद्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मूर्च्छयामृतम्। ॐ भूर्भुवस्व तत्सवितुर्वरे भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ आई पूज्य साध्वी बहने, हमारे सभी योग शिक्षक भाई बहन पूरे देश भर में महिला पतंजलि योग समिति है। पतंजलि योग समिति भारत स्वाभिमान युवा भारत पतंजलि किसान सेवा समिति हमरो स्वाभिमान सारे योग टीचर्स पूरे देश में निस्वार्थ निष्काम भाव से कम 1-1.5-2 घंटा योग करना कराना बहुत बड़ी सापेक्ष सेवा है। सनातन धर्म की भगवान की बहुत बड़ी सेवा है। ये देश की मानवता की बहुत बड़ी सेवा है। रोगी दुखी जनों से लेकर के बच्चों युवाओं का निर्माण जो हमारा बचपन हमारा यौवन कहीं भ्रांतियों में उलझा हुआ है वो भी इसी मार्ग से सही रास्ते पर आएगा। लंबे लंबे भुजंगासन सर्वासन ओबीसीटी के लिए बहुत जरूरी, फिर सीधे लेट के अर्धनासन पाद वृत्तासन द्विचक्रिकासन लंबा करना है। मैं इंटीग्रेटेड योगा प्रैक्टिस के अंतर्गत सभी योगाभ्यास थोड़ा थोड़ा कर रहा हूँ। एक एक अभ्यास को 1-2 मिनट से लेके 5-10 मिनट ऐसे ही करना। योगा फॉर ऑबेसिटी, योगा फॉर स्पाइनल कॉर्ड, योगा फॉर ऑल, और जिनसे अधिक योगा अभ्यास न बन पाए सूक्ष्म व्यायाम प्राणायाम ही करना एक अनुष्ठान की तरह। पूरे अंतर्मुखी होके पूर्ण विवेक से पूर्ण श्रद्धा भक्ति समर्पण कृतज्ञता से पराक्रम से शौर्य से उत्साह से दिव्यता से योग की महिमा समझो जानो अपनी शक्ति अब पहचानो अपनी शक्ति अब पहचानो योग अनुशासन तुम मानो योग अनुशासन तुम मानो होगा फिर विश्राम यही है गुरुवर का पैगाम यही है ऋषिवर का पैगाम भोग भ्रम से हट कर अब तो भोग भ्रम से हट कर अब तो आओ योग ग्राम यही है गुरुवर का पैगाम यही है ऋषिवर का पैगाम सीधे लेट करके योगा फॉर ऑबेसिटी एक एक पैर से दोनों पैरों से जिससे जितना बन पाए अर्धहलासन लंबे लंबे श्वास भस्त्रिका कपाल भांति सांस चल रहा है जो दोनों से न कर पाए एक एक से ही कर लेना है। तो योगा फॉर ऑबेसिटी हमारे पूज्य स्वामी समग्र देव जी करेंगे और योगा फॉर स्पाइनल कॉर्ड हमारे पूज्य स्वामी आर्य देव जी जो आपको प्रतिदिन इस योग गंगा में स्नान करा दे।
जिससे जितना बन पाए। एक एक पैर से ही कर पाएंगे जो मोटे मोटे भाई बहन दोनों से कर ले। स्पाइनल कॉर्ड पर एक्स्ट्रा प्रेशर आएगा। एक अनुष्ठान की तरह एक अनुशासन के साथ घुटना सीधा पंजा सीधा। आपका मनोभाव आपका आत्मभाव आपका स्वभाव आपका जीवन इतना पावन कि सबको धन्यता की अनुभूति हो। इतना अनुशासन में ढालो अपने आप को। आपके योग में जीवन को देख करके सारा संसार योगी बनना चाहे। तन से मन से जब योगमय जीवन होगा तो स्वास्थ्य सुख समृद्धि शांति होगी। जीवन चार होगा आत्म साक्षात्कार होगा आत्मनिर्माण होगा आत्मनिर्वाण भी होगा। ओ युक्त हार विहार करो तुम शुद्धाचार विचार विचार करो तुम चार विचार करो तुम चार विचार करो तुम योग नियम स्वीकार करो तुम योग नियम स्वीकार करो तुम छूलो नव आयाम यही है गुरुवर का पैगाम यही है ऋषिवर का पैगाम। योग नियम स्वीकार करो तुम छूलो नव आयाम यही है ऋषिवर का पैगाम यही है ऋषिवर का पैगाम। हर जप तप ध्यान धारणा लाए रोग शोक सब दूर भगाए रोग शोक सब दूर भगाए रोग शोक सब दूर भगाए संयम नियम भी नित्य कराए संयम नियम भी नित्य कराए आसन प्राणायाम यही कर अब तो आओ योग है गुरुवर का पैगाम यही है ईश्वर का पैगाम। भूले भटके दुखी जनों को भूले भटके दुखी जनों को मिलता है आराम यही है गुरुवर का पैगाम यही है ईश्वर का पैगाम यही है गुरुवर का पैगाम यही है ऋषिवर का पैगाम यही है ऋषिवर का पैगाम। योग फॉर ओबेसिटी योग फॉर स्पाइनल कॉर्ड के साथ अब इंटीग्रेटेड योग प्रैक्टिस में मेरे साथ पवन मुक्तासन लंबा कीजिए। एक एक सेल जीन्स क्रोमोसोम्स डीएनए आरएनए प्रोटीन के राइट एक्सप्रेशन डिवाइन कंप्लीट एक्सप्रेशन ऑफ बॉडी कंप्लीट एक्सप्रेशन ऑफ माइंड एक्सप्रेशन ऑफ एनर्जी कंप्लीट एक्सप्रेशन कंप्लीट balance balance of body balance of mind balance complete expression complete balance complete reach finish। किसी कारण से liver kidney heart pain skin blood bones as कोई organ degenerate हुआ है इसको रीजुविनेट कर लेते हो योग से आयुर्वेद से कंप्लीट डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन दिव्यता का आरोहण है ऊर्ध्व आरोहण है जीवन का उत्कर्ष है। पवन मुक्तासन पादासन नौकासन ये सब करते हुए मैं सुबह सुबह आपको 10-20 बातें बताता हूँ उनको ध्यान रखा करो। हर देर पूरी
केवल सरफेस पर योग नहीं करना उपभोग पर, अपने जीवन और जगत के चित्त के चेतना के आत्मा के सेल से लेकर के सोल तक के सूक्ष्मतम धरातल पर जाना, पूरे अंतर्मुखी होना। केवल सरफेस पर तो फिजिकल एक्टिविटीज दिखेंगे आपको, ये दृश्यमान मेटेरियलिस्टिक पिंड ब्रह्मांड, इसके परे योग का परम सत्य है, शाश्वत नित्य सत्य। पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन, थोड़ा लंबा लंबा करने की आदत डालना, पूरा अपने जीवन को सवारना, थोड़ा लंबा करने की आदत डालिए। और कुछ नहीं होता है तो पवन मुक्तासन ही लंबा कर लीजिए, बीच में थक जाए तो आपको दसियों विकल्प। आपसे कह रहा था योगाभ्यास के साथ आपको भारतीय सनातन चिकित्सा और शिक्षा के मूल सूत्र देंगे। तो पहले चिकित्सा के मूल सूत्र दे देते आपको, फिर शिक्षा के मूल सूत्र। निरंतरता के साथ करना, कपालभाति भी हो रहा है, बाह्य प्राणायाम। सेतु बंधासन में या शीर्षासन में ये मूल बद्ध ज्ञान बंध बहुत अच्छे लगते हैं, ऊर्ध्वरेता बन जाओगी, कुंडलिनी जागरण हो जाएगी। मूल बंध में, उड्यान बंध में आप मुराधार स्वादिष्ठान मणिपुर चक्र की शक्ति को पूरा उद्बुद्ध जागृत कर दे। और ये मूल बंध, उड्यान बंध, सेतु बंध में सुप्त पद्मासन में, शीर्षासन में बहुत अच्छा लगता है, सर्वांगासन में, हलासन में बैठ करके भी, बाह्य प्राणायाम में भी मूल बंध, उड्यान बंध, अपने अपने अभ्यास पूरे करना। अभी जब आप सतत साधना करते हैं ना, तब योग के बारे में बोलने की जरूरत नहीं पड़ती। मेरे साथ बोलो, योग बोलता है, बोलो योग, योग खुद बोलता है, योग खुद प्रमाण है, अपने आप में प्रमाण है। इसको आध्यात्मिक विचार सिद्धांत टर्मिनोलॉजी में ऐसा बोलते हैं, योग स्वतः प्रमाण है। तीन राउंड करना, पांच राउंड करना, जिनको डायबिटीज है, लिवर किडनी फेलियर है, अपने अपने अभ्यास थोड़ा लंबा कीजिए। अपने अपने अभ्यासों को सतु दीर्घ काल नैरंतर्य सत्कार आसीमित दृढ़ भूमि
चलो करते रहो सब अपने अपने अभ्यास पूरे कर, रुकना नहीं, विराम नहीं, विश्राम नहीं। चरै वेति तरै पूरी प्रामाणिकता के साथ प्रामाणिक शब्द को अंग्रेजी में ऑथेंटिक कहते हैं, ऑथेंटिक योग प्रैक्टिस, साइंटिफिक योग प्रैक्टिस, वैज्ञानिकता के साथ। एक शब्द के पीछे एक बहुत गहरा सिद्धांत है, इसलिए गुरु वाक्य को मंत्र मान के प्रमाण मान करके ध्यान मूलम गुरु मूर्ति ही, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। गुरु को देखे मात्र से ध्यान, गुरु के चरण शरण में पूजा अपने आप संपन्न हो जाती है। गुरु का एक एक वाक्य मंत्र है, शब्द और गुरु कृपा से, गुरु के अनुग्रह आशीषों से रोगों से मुक्त होने के साथ जीवन मुक्त हो जाते हैं। सब रोगों से, विकारों से मुक्ति का एक क्रमिक कर लो, जिससे जितना बन पाए उतना कर लो। मैंने 2-3 राउंड करने के लिए आपको बोला है। बैठ करके मोटापे वाले स्थित कोणासन चक्की आसन कर लो, 100-200 बार करना है, शत सहस्र साधना। तो जरा योग के मूल सिद्धांत कह रहा हूं, आयुर्वेद के भी, स्वास्थ्य के भी, एक एक सेल से लेकर के सोल तक एक दिव्य रूपांतरण, दिव्य परिवर्तन भीतर घटित हो रहा है। दिव्य अनुशासन अथ योगानुशासन, योग स्वरूप अवस्थान, अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित रहना, उन चीजों से बचना, उन बातों से बचना, उन तत्वों से बचना, उस आहार विचार वाणी व्यवहार स्वभाव से, उस विलासिता तमाम तरह के उन अशुभ भावों से बचना, उनसे दूर रहना जो आपको अपने आप से और भगवान से दूर कर देते हैं। उन बुरी चीजों से बचो। इसको कहते वैराग्य, जिन चीजों से बचना है उन चीजों से बचो। कंप्लीट डिटैचमेंट योग के 2 मूल साधन है, विश्वान देव सवितर दुरितानि परास्व, बुरी चीजों से बचो। और अच्छे और बुरे का लक्षण क्या है, जिसके करने से तत्काल या दीर्घ काल में या औरों का, मनुष्य मनुष्य तर जड़ती तर जीव जगत का, किसी का भी किसी भी प्रकार का अहित हो उससे बचना, वो अशुभ है हमारे लिए। जो डोंट्स पर ही तो पूरा जीवन टिका है, ये करो ये करो ना करो, ये मॉरल है ये एथिकल है ये नॉन इनएथिकल है, देखो अब जो भी है। एक बात तो पक्की है, मंडूकासन योग मुद्रासन, आगे झुको जो पीछे झुक सकते, सुप्त वज्रासन, सुप्त पद्मासन, योग के आरोग्य के मूल सिद्धांत कह रहा था। अथ योगानुशासनम योगश्चित्त वृत्ति निरोधः तदा दृष्टो स्वरूप अवस्था, अभ्यास वैराग्य प्राप्त नहीं लग पाता है तो सुखासन में ही बैठ करके आगे झुक जाए।
इससे लिवर, स्प्लीन, इंटेस्टाइन, पैनक्रियास, यूट्रस, ओवरी, लंग, हार्ट, इस पर अधिक दबाव प्रभाव पड़ता है। जिनकी बॉडी फ्लेक्सिबल है वे अभ्यास वैराग्य, वैराग्य का अर्थ ही मुक्ति है। बुरी चीजों में राग, इसमें मजा है, उसमें आदमी कंफर्ट फील करता है, अच्छा लगता है। बुरी चीजों का सबसे बड़ा मायावी तथ्य सत्य यही है। मुंडूकासन, मुठ्ठियां बांध के, मुठ्ठियां खोल के, इसलिए किसी भी प्रकार की भूल भलैया में, गफलत में, भ्रम भ्रांति में, बेहोशी में मत जीना मेरे भाई। किसी भी बात का परिणाम सोच करके करोगे ना तो कभी जिंदगी में कोई भी गलत काम होगा। धीरे धीरे करके जीवन के किसी भी स्तर पर सूक्ष्मतम जो दोष हैं उनसे भी मुक्त हो जाओगे, दग्ध बीज हो जाओगे योग के पास। और जो अच्छे तत्व हैं उनका अभ्यास कर पाओगे। मंडूकासन, योग मुद्रासन, अर्धमत्स्येन्द्रासन, वक्रासन, गोमुखासन, पूरे अंतर्मुखी होकर के, एकात्म होकर के, श्रद्धान्वित होकर के करना। श्रद्धा, वीर्य, स्मृति, समाधि, प्रज्ञा पूर्वक इतरेषा। श्रद्धा वालभते ज्ञानम, तत्परः संयतेन्द्रियः। पूर्ण भक्ति से, पूर्ण पुरुषार्थ से, पूर्ण पराक्रम, शौर्य, उत्साह से आपको योग करने की बात करता हूं। तो ये मैं आपको ये तत्व कहता हूँ, शास्त्र के पूरे संदर्भ है इसमें, ऋषि मुनियों के हजारों लाखों करोड़ों वर्षों के अनुभव अनुभूतियां हैं इसमें। इसको हल्के में ले, ऐसे नहीं लेना, इग्नोर नहीं करना। अरे ये तो बाबा जी तो रोज ही बोलते रहते, को हम शाब्दिक अभिव्यक्ति देते हैं। अर्धमत्स्येन्द्रासन, वक्रासन, जिससे जितना बन पाए अपने अपने अभ्यास, पूरी एकाग्र, हाथ पैर, पेट, पीठ, चेहरा, मोहरा, देह की स्थिति, तन की स्थिति, मन स्थिति, सब योग के अनुरूप। एक क्षण के लिए भी इसी को कहते हैं ट्रांसेंडेंट योग, गुणातीत भावातीत योग, ट्रांसेंडेंट। अधिक ना बन पाए तो मैं कहता हूं मुंडूकासन और गोमुखासन ही कर। मैं कहता हूं 2-3-5 जितने अभ्यास बन पाए उतना ही। अब पूरे प्रवाह के साथ आपको करवाए जा रहे हैं। ये जो भोर का योगाभ्यास है ना, उसकी महिमा तो अपरंपार। ये योग काल है, सुबह का ब्रह्म काल है, ब्रह्म मुहूर्त है, भगवान का समय है, आत्म कल्याण का समय, आत्मनिर्माण का, आत्मदर्शन का, आत्म साक्षात्कार का, भगवत साक्षात्कार का, आत्मानुभूति का।
आत्म अनुभूति का, आत्म उपचार का, आत्म अनुशासन का, आत्म प्रेरणा का, आत्म उत्थान का, आत्म उत्कर्ष का, आत्म विजय का, आत्म स्पर्धा का, आत्म उत्कर्ष का काल है, आत्म उत्थान का, आत्म ईश्वर पुनिधान तत्प्रतिषिधार्थ एक तत्वाभ्यास। ऐसे एक ब्रह्म के साथ एक आत्म होकर के एक निष्ठ योग निष्ठ एक तरफ से फिर दूसरी तरफ से ऐसी एक एक अभ्यास को थोड़ा लंबा करना। अब जिनसे ये गोमुखासन आदि लंबे नहीं हो पाते ना, पवन मुक्तासन ही लंबा कर लो, मंडोकासन ही लंबा कर लो, तो अभी थेरेप्यूटिक योग प्रैक्टिस योग के प्रोटोकॉल में अब आपको मंडूकासन लंबा करना है। देखो मंडूकासन तो सब कर लेते, मंडूकासन पूज्य स्वामी आर्य देव जी कर रहे, ये दो ही कर लो आप। कुछ कहते हैं जी क्या करें, कुछ बात बनी नहीं रही, इतना लंबा चौड़ा तो ना होगा बाबा, आपने तो पूरा सोटा घुमा रखा है, तो भैया इतना तो होगा, ऐसे ही घूम लेना, ऐसे ही झूम लेना, ऐसे ही जिंदगी है, रूहानी जिंदगी है, अब इसको हम ऐसे ऐसे गंवारे कोड़ी के पास जीवन को ठीक ठीक समझो, व्हाट इज द अल्टीमेट पर्पज, जीवन का प्रयोजन, दो शब्द बोलो मेरे साथ बोलो, जीवन का प्रयोजन, जीवन का सबसे बड़ा प्रयोजन क्या, जो चीजें जिन चीजों का 1% महत्व है उनको हमने 99% महत्व दे दिया तो बात गलत हो जाएगी ना। मैं भी खाता पीता हूं, मतलब खाता पीता का मतलब और दूसरा मत समझ लेना, आजकल खाने पीने का बड़ा बड़ा खाना पीने वाला है, मतलब गड़बड़ घोटाला वाला है। ए, देखो भाई लय के साथ करो, अब मोटे मोटे तो ऐसे ही हम दिया है, 2-2.5 घंटा उसी में लगे, चल थोड़ी देर बटरफ्लाई भी कर लो, और हम तो बटरफ्लाई और हैंड फ्लाई दोनों साथ साथ कर लेते हैं। लगे रहो, मैं तो लग रहा हूँ, मेरी बिटिया तू भी कर ले, चल अब बैठ जाओ सब। अब देखो दूसरा राउंड फिर करा देंगे, अभी मैंने एक बात कही, गौर करना, ऐसे मैं 10 बातें बताता हूँ जिनका महत्व कितना है 1%, और उसको महत्व कितना दे रखा हमने, 1% वाली चीजों को जब आप 99% उनको महत्व देने लगते हैं, आपको अपनी लाइफ की प्रायोरिटीज तय करनी पड़ेगी। मैंने भी अपने जीवन की प्रायोरिटीज, मेरा गोल मेरा डेस्टिनेशन मैंने तय किया हुआ है, और क्या है, सुबह सुबह योग करना है और दिन भर 16-18 घंटा कर्म योग करना है, सेवा करनी, और हाँ खुश रहना, आनंद में रहना, मस्त रहना, घूमते ही रहते, झोला ठायर चलती, कहाँ घूम रहे हो भाई साहब, बोले ये भी हमको भी नहीं पता कहाँ जाना है, बोले हमको भी नहीं पता क्यों जाना है, बोले हमको भी नहीं पता, घूम रहे हैं बस, इसको कहते हैं घुमक्कड़।
घूमने वाले, इनको आजकल की सभ्य भाषा में बोलते पर्यटक, अटक अटक के भटक, अटक अटक भटक भटक जो चलते रहते पर्यटक, टूरिज्म। क्यों घूम रहे हो, बड़ा गड़बड़ हो गया, उल्टा पुल्टा। सन्यासी बनना है तो स्वामी रामदेव की तरह 100% सेवा में, साधना में, आनंद में मस्त रहो। और संसारी बनना है, शादी ब्याह हो गई है उसी में पूर्ण खुश रहो। दूसरी तरफ ताका झाकी की तो खोपड़ा फूटेगा, कुड़बा टूटेगा। क्यों इधर उधर दिल लगाते हो, क्यों इधर उधर चित्त लगाते हो, जो है चलो। भस्त्री का लंबा करो, आराम आराम से करो। मैंने अपने वाला स्टाइल तो आपको बताया था, वो तो तुमसे हो ना सकेगा। कल तो बड़ा कोहरा सा आ गया था एकदम, एक बार तो कुछ 2 महीना पहले ही आ गया, अभी तो अक्टूबर नवंबर बाकी है। इतना घना कोहरा था, आज भगवान जी ने थोड़ा और बहुत ही ऐसा वातावरण बना रखा, लेकिन आज ये पता लग रहा है अब ठंड ने दस्तक दे दी है। चलो इसका भी स्वागत करो ठंड का। जब प्रचंड गर्मी प्रचंड बरसात हुई है तो प्रचंड ठंड भी होगी, लेकिन बचने का उपाय भी कर लो। अब ठंड से बचने के लिए तब हम दौड़ लगाया करते, और ये बोले बाबा जी नीचे हो जाए, इतनी ना होता तो कैसे करो। चलो आराम आराम से। तो अब हमारे पूज्य स्वामी आ रहे थे जी, और मैं करूंगा भांति भांति के योग। बस श्री का भी कपाल भांति भी, बाह्य प्राणायाम भी। क्या क्या था सर? बस त्रिका कपाल भांति बाह्य प्राणायाम उज्जाई शीतली। मुझे लगता है मैं आपको जीवन के जो बहुत गहरे तथ्य सत्य है घंटों उसके बारे में बात कर, क्योंकि बात खराब हो रही है लोगों को। याद बताओ, ब्याह कर लेते हैं, ब्याह करना ही नहीं आ रहा। टायर वायर सब खराब थे, ब्याह करते समय 99% उन चीजों को देखते हैं। अभी ये 1% और 99% का खराब नहीं हुआ, जो पूरा चक्र है ना वो तो मिल जाएंगे। ये गलत दिशा में चल रहा है, दुनिया के विधायिका कार्यपालिका न्यायपालिका के मीडिया के अंदर घुस के मजबूत, लेकिन नीचे शिक्षा के चिकित्सा के क्षेत्र में, उद्योग के क्षेत्र में, कैपिटल मार्केट उसको उसका काम बंद हो गया हो रहा है, इक्विटी मार्केट इन्वेस्टर्स से मैं मिला, पूरी दुनिया के टॉप इन्वेस्टर्स, पॉलिटिशियंस से मिला, बिजनेसमैन से मिला, शिक्षा भी चिकित्सा भी, बड़े बड़े साइंटिस्टों से मिला,
मुझे 99% वो लोग मिले, किसी व्यापारी के पता कर लो, जो नितांत अभाव और संघर्षों में बड़े हुए और जिनके पास बहुत धन दौलत थी ना, उनकी हालत दरिद्र हो रखी, तो जिन्होंने पैसा दे करके ब्याह और जिन्होंने पैसा दे करके ब्याह नहीं किया, गुण कर्म स्वभाव चरित्र आचरण दे करके ब्याह किया, वो बड़े सुखी है। अब तुम क्या देखते हो, धन दौलत पैसा, और थोड़े दिन में उनके पैसे वाले बिगड़ जाते मेरे बगल वाला भाई, भावों में संघर्षों में चुनौतियों में 99% की बात कर रहा हूँ। पूरी दुनिया में 99% श्रेष्ठतम सफल वो लोग हैं जो अभाव संघर्षों में आगे बढ़े, संघर्ष किया, बड़े बने। फिर देखेंगे रूप लावण्य। अरे रूप लावण्य जैसा भी है, कोई खाने पीने की चाटने की चीज है क्या, ये क्या करोगे इनका? एक मेरे से भूल, मैं मेरा मीडिया से सामना 20 साल पहले से ज्यादा होना शुरू हो गया। हमारी बेटी श्वेता भी बैठी हुई है, श्वेता सिंह, और कोई ऐसा किसी को वो नहीं करते, लेकिन हाँ इन बेटियों में बहुत सात्विकता दिव्यता है, मैं इसलिए कह रहा हूं इन बातों। अपनी शालीनता, अपने सिद्धांत, अपने मूल्य, अपने आदर्श हमें कभी नहीं छोड़ने चाहिए। सबसे बड़ी प्रायोरिटी इनकी होनी चाहिए, हम छिछोरी बातों में, ऊपर ऊपर की बातों में ऐसे आ जाते हैं। मैंने वो पत्रकार भी देखे हैं जिनकी तूती बोलती थी और आज मतलब थोड़ा बहुत घटिया भाषा में बोले तो गली का कुत्ता भी उनको दे करके भोगता नहीं, पूछता नहीं कहां खो गए तुम। वो नेता भी देखे जिनको लोग, जिनका नाम लेने में भी कहते, अरे किसका नाम ले दिया, छोड़ना भाई उसको। मैंने वो बिजनेसमैन भी देखे जिनके पास में लोग, बहुत से लोगों को तो मेरे पास भी नंबर आ जाए तो मैं फोन नहीं उठाता, भाई पता नहीं इसका फोन उठा लिया तो अपने ऊपर कोई कल को आरोप ना लग जाए कोई। ऐसे नेता, ऐसे अभिनेता, ऐसे पत्रकार, ऐसे उद्योगपति, ऐसे बाबा, एक बाबा ने मेरे को जेल से ही फोन कर दिया, उसके चेले ने पकड़ा दिया, बाबा जी बात करना चाहते। मैंने कहा भैया मेरा क्या लेने देना, बोले नहीं वो आपसे कुछ बोलना चाह रहे। मैंने कहा मैं बात नहीं करता, सबको फोन तो मिल ही जाता है जेल में, बाबा हो या अपराधी हो, कोई भी हो, जो भी अपराधी होते हैं जेल में तो ज्यादातर किसी किसी के साथ धोखा भी हो जाता है आजकल, वो एक अलग बात है। आपसे मैं जो बोलना चाह रहा हूं, जिन बातों का 1% मतलब है, खाने पीने की चीजों का 1% मतलब है, अब सुबह से शाम तक हमेशा खाने पीने में दिल लगा रहे, तो फिर काम में दिल कब लगाओगे, कामयाबी कैसे हासिल करोगे, कुछ बड़े काम कैसे करोगे। खाना पीना शरीर को अच्छा रखने के लिए है और उसके लिए उसमें मोह नहीं होना चाहिए, उसमें आसक्ति नहीं, और उसमें फिसलना तो कभी नहीं चाहिए। जीवन में जिसको शरीर संबंध कहते हैं, गृहस्थ में भी उसका 1% मतलब है, 99% तो पति पत्नी परम मित्र बन करके, परम हितैषी बन करके एक दूसरे को इतना संबल दे कि तुम्हारे साथ की, तुम्हारी मैत्री की, तुम्हारे सहयोग की, तुम्हारी हमें 1% महत्व देना है, उसको तो हमने 90-99% महत्व दे दिया। जिन बातों को 90-99% महत्व देना है उनको हमने 1% पर ला करके देख दिया। अब सबसे पहला महत्व तो इसका होना चाहिए कि तुम्हारा 100% स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए, तुम्हारा तन, तुम्हारा मन, तुम्हारा चित्त, तुम्हारी चेतना, तुम्हारी आत्मा एकदम निर्मल होनी चाहिए। और मैं देखा हूं कारोबार है 10-20 हजार करोड़ का, अब भरोसा नहीं कर का, अब मरा और तब मरा, रेट बढ़ा रखा है, एक एक डेढ़ डेढ़ क्विंटल बीपी बढ़ा हुआ है, शुगर बढ़ा हुआ है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, कभी भी पटाखा फूट सकता है। और ये साहब मालिक है 10 हजार करोड़ के, मैंने कहा कोड़ी का भी मालिक नहीं,
इसके अभी कब फूक निकल जाए कुछ। अरे बावले, बड़े बड़े साम्राज्य खड़े करो लेकिन तुम खुद ना लड़खड़ाओ, ऐसा अपने आप को बनाओ। मैं चाहता हूं ऐसे ही बना के छोड़ूंगा क्योंकि मैं तुम्हारा गुरु भी हूं, तुम्हें सही रास्ता दिखाऊंगा। हमारे बहुत से बाबा भी हैं, महंत जी हैं, 4-5 किलो वो 10 किलो का पेट आगे निकल रहा है, 50-50 किलो के कुल्ले लटक रहे। बाबा ने मेरी बातें सुन सुन करके अपना वेट भी कम कर दिया। बोले भाई अब तो बाबा ने तो हमारी भी खटिया खड़ी करने लग रहा है। मैं किसी की खटिया खड़ी नहीं करता, मैं तो सबकी खटिया भी छाता हूँ। तुम आराम से सो, आराम से भस्त्रिका किया। अपना आहार विचार वाणी व्यवहार स्वभाव में संयम नियम, भोर में 4 बजे उठने से लेकर के रात को 10 बजे तक का एक पूरा जो लाइफ साइकिल है उसको पूरा डिसिप्लिन वे में जियो। अब देखो मैं ना किसी की बड़ाई कर रहा हूँ ना किसी की बुराई, लेकिन अब नेताओं में भी 100 तरह के नेता है, किम जोंग से लेकर के जो बाइडेन से लेकर के जेलेंस्की पुतिन से लेकर के शी जिनपिंग से लेकर के आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी से लेकर के योगी आदित्यनाथ जी से लेकर के राहुल गांधी जी से लेकर के अलग अलग सबका अलग अलग सबका चरित्र अलग अलग सबका थॉट प्रोसेस। एक तरफ हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं जो रोज कम से कम आधा से एक घंटा विपरीत परिस्थितियों में भी, जब कोई विधानसभा और लोकसभा के चुनाव भी सिर पर हो तो भी योग नहीं छोड़ते। तो जब वो पूरा देश चलाते भी योग कर लेते हैं। पुतिन कभी भी जिम नहीं छोड़ते, इसलिए वो उसका थोड़ा स्वभाव थोड़ा राजसिक और तामसिक ठोका ठाकी करता रहता है। जिम में भी ध्रम ध्रम होता है, में कोई हो तो ध्रम ध्रम कर रखा आस पास, पर उसके साथ भी वही हो रहा व्यापार। हाँ, एक राजसी को जाते हो कभी मैया और तो मिलने को किम जोंग जो है सिगरेट और शराब नहीं छोड़ता, जल्दी पटाखा फूटने वाला है। क्यों इनको भी ठोका एक दिन अपने वाले भी जो बोलू जुबा केसरी में सब आके सम्मिलित हो गए, एक दिन अक्षय कुमार को भी और इसको भी सुनाया तो क्या अजय देवगन, मैंने कहा ये काम कब से करने लग गए। तो अब तो खाली समय शाहरुख खान का ही फोटो ज्यादा छप रहा है, पता नहीं दोनों ने विड्रो कर लिया या क्या किया। तीनों के तीनों 10-10, 20-20 करोड़ रुपए ले लेते हैं, सामान्य एड करने के 5 करोड़, तो तबाकू वालों से 20-25-50 करोड़ ले लेते हैं। ले तो लिए थे अमिताभ बच्चन जी ने, फिर जब बहुत ज्यादा लोगों ने खिंचाई की तो बोलो मैंने तो सुपारी वाला किया था। जो खुद खाता नहीं तो खाली पैसे के लिए क्यों करते हो सब। अच्छा फिर बाद में सुपारी वाला कह करके अच्छा पैसे आप कितने चेक में देते कितने कैश में देते भगवान ही मालिक है इनका। और फिर कौन क्या किसी की पूछ पाते, इसका मतलब उन्होंने अपने सिद्धांत खो दिए। अच्छा लोग भी कितने बाहुल्य, शायद ये खाता ही होगा। अमिताभ बच्चन जी कतई भुजिया नहीं खाते खाते हैं जी। अरे उसका पेट खराब है, उसको कोलाइटिस है, उसको हेपेटाइटिस और तबाकू, वो खाएगा
सरवाइव नहीं कर पाएगा। लेकिन कमाल है साहब अमित जी का भी, कोई विज्ञापन करवा लो ऐसा नहीं होना चाहिए। आदमी को अपने सिद्धांतों पर, जब कन्या पूजन का दिन होता हम तो सन्यासी होकर कन्याओं की पाद पूजा करते हैं। गरीब बेबस लाचार बच्चे आते हैं उनको भी हम तो अपने हाथों से उठाते हैं, गले से लगाते हैं, उनके रोग मिटाते हैं। उनको देख करके हमारे आंखों में भी अश्रुपात होता है। इतनी पीड़ा है लोगों की जिंदगी। सबके साथ मिलते जुलते हैं। बहुत लोगों ने कहा बाबा जी आप तो सेलिब्रिटी होगी। मैंने कहा हमको तो सेलिब्रिटी की फुल फॉर्म भी नहीं आती है, इसकी क्या स्पेलिंग क्या है। हम तो भैया बाबा हैं और सबके हैं, ब्राह्मणों के भी हैं, क्षत्रियों के, वैश्य शूद्र। मैंने तो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र की सही डेफिनेशन की। थोड़ा थोड़ा तो सब मीडिया वालों ने चलाया, अब अच्छी बातें चलाते भी तो कम ही है ना, थोड़ी देर तो चला देते हैं, बाबा जी की शर्म करते हैं। मैंने कहा ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ये जातियां नहीं है, कुंभकार स्वर्णकार लोहार ये जातियां नहीं है, तो काम है। जो घड़ा बनाए वो कुंभकार, जो सोने का काम करे, जो धोने का काम करे धो भी, और जो अज्ञान को मिटाए वो ब्राह्मण, जो अन्याय को मिटाए वो क्षत्रिय, जो भाव को मिटाए वो वैश्य, जो अशुचिता अपवित्रता को मिटाए और पवित्रता लाए वो शुद्ध। बोले बाबा जी ये तो हमने व्याख्या पढ़ी ही नहीं। पवित्रता दूर करता हूँ इसलिए शूद्र भी हो, मैं सोने जैसा भारत देखना चाहता हूँ इसलिए स्वर्णकार हूँ, और लोहार जैसी चोट मार मार के तुम्हें घड़ता हूँ कुंभकार की तरह, तो कुंभकार और लोहार भी हो, और सबके तन मन के पाप धोता हूँ इसलिए मैं धोबी भी हूँ। तू बता तेरा क्या हाल है। हमारा तो बुरा हाल है, हम तो ऐसे ही लड़ रहे हैं ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य के नाम पर। ये है ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र की डेफिनेशन, सनातन की परिभाषा। सनातन के नाम पर कोई भूत प्रेत झाड़ फूक करने में लगे हुए काम में लगे हुए। ये बाबा भूत भगाने वाला बाबा है पड़ा। जैसे ही ये भूत भूत विद्या के ना चार पांच फार्मूले, ऐसे दो चार सीटी सी मारेंगे और फिर कुछ ऐसा वातावरण सा बना देंगे धुआं धक्कड़ सा करके, और फिर ये लो जिस दिन मैंने उसे करना शुरू किया ना तो 100-200 चेलियां भी ऐसी घूमने गएंगे शायद ये कुछ चल ही रहा। थोड़ी देर में लगेगा हाँ भाई कुछ हो तो गया, और थोड़ी देर में चीखने चिल्लाएंगे, और थोड़ी देर में कर फिर मैं जोर से मंत्र बोल दूंगा। ओ कोई हनुमान जी का नाम ले दिया, जय हनुमान जय आनंद, सबके बहुत भाग गए। अरे हाँ भाग गए, अरे थे नहीं तो भागेंगे। ये भूत विद्या भी बड़ी खतरनाक है, जो थोड़े चालाक लोग होते हैं इसके नाम पर बहुत बहकाते हैं। ये सनातन धर्म नहीं है भूत विद्या। जो सनातन धर्म को ठीक ठीक मानते हैं उनके ऊपर संसार की कोई आसुरी शक्ति एक क्षण के लिए भी असर नहीं कर सकती। जो भगवान राम की कृष्ण की हनुमान की शिव की शरण में है, जो योग करते हैं यज्ञ करते हैं ओंकार गायत्री का जप करते हैं भगवान का नाम स्मरण करते, काहे फालतू चीजों में पड़े। सनातन धर्म के नाम पर उल्टा पुल्टा कर दिया सब। चलो कपाल भाती करो। मैं आपको बता रहा था कि भाई ठीक ठीक समझो, सनातन धर्म को ठीक ठीक समझो, आरोग्य को ठीक ठीक समझो, जीवन को ठीक ठीक समझो। व्हाट इज द लाइफ एंड व्हाट इज द पर्पस ऑफ लाइफ, व्हाट इज द अल्टीमेट गोल और डेस्टिनेशन ऑफ लाइफ। ऐसे ही भूल भुलैया में जी रहे हैं। ना मेरे भाई, अब हमने एकदम सीधा साधा रास्ता बता रखा है। किसी को वेट कम करना है, रोज 1-2 किलो वेट कम कर लो। किसी को बीपी शुगर ठीक करना है, पहले दिन ठीक कर लो। और मैं तो कहता हूँ किसी को भी कोई भी पूरे चैलेंज के साथ जब आप किस
साथ सत्य होता है तो आप स्वामी रामदेव की तरह बेधड़क होकर के बात कह सकते हो। कोई आपको इसमें क्या हिसाब किताब लगाने की जरूरत है, तो सच है सच है, झूठ है झूठ है झूठ है। आदमी सो तरह के आडंबर बना करके रखते हैं। हमने कभी कोई ढोंगा आडंबर पाखंड अंधविश्वास नहीं फैलाया, नहीं जिया उसको। चलो कपाल भाति लंबा करो और योग का आयुर्वेद का स्वास्थ्य का तो अभी सार कह देता हूं संक्षेप में। मुझे अभी दूसरा भी तत्व कहना है, योग पूरा करना। कल जैसे बताया था एक एक सेल, उस सेल की एक्टिविटीज, एपोप्टोसिस, उस सेल का पूरा सेल साइकिल की कल बात चल रही थी ना, जीवन चक्र, उसकी चार फेजेज है, जीवन एस जी टू एम फेज, पूरा जीवन चक्र, काल चक्र, ऊर्जा चक्र। एक एक सेल से लेकर के सोल तक सब कुछ डिसिप्लिन में आ जाता है योग से। अथ योगानुशासन, योग करो, योग यज्ञ पूर्वक करो, वातिष्ठ यज्ञ हवन बहुत बड़ा विज्ञान है। इसके नाम पर भी बहुत ढोंग पाखंड आडंबर अंधविश्वास, देखो ये गलत हो जाता है। सब विज्ञान के नाम पर भी लोग अज्ञान फैलाने में, जितना इसी को मैं मेडिकल माफिया ड्रग माफिया कहता हूँ। मीडिया के नाम पर भी कुछ लोग पाखंड करते हैं, राजनीति के नाम पर भी बहुत से लोग पाखंड करते हैं, व्यापार के नाम पर भी बहुत लोग लूटमार करते हैं, अत्याचार करते हैं, कितना धोखाधड़ी करते हैं, सब उल्टा पुल्टा सब जगह। ऐसी धर्म अध्यात्म के नाम पर किसी बहकावे में नहीं आना। यज्ञ अपने आप में बहुत बड़ा विज्ञान है, योग बहुत बड़ा विज्ञान है, आयुर्वेद बहुत बड़ा विज्ञान है, और उसके पूरे वैज्ञानिक मापदंडों के साथ आपके सामने सारे के सारे तथ्य और सत्य रखते हैं। यहाँ की किसी का लिवर खराब है, किसी की किडनी खराब है, किसी का पैनक्रियास खराब है, किसी का लंग, किसी का हार्ट, किसी का थायराइड, किसी की आंखें, कान, ब्रेन, नर्वस सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम गड़बड़ है, हड्डियां गड़बड़ है, मांसपेशियां गड़बड़ है, स्नायु तंत्र नाड़ी तंत्र गड़बड़ है। सब रोगों के लिए हमने पूरे रिसर्च एंड एविडेंस बेस्ड आपको मेडिसिन दे रखी। तो भाई योग पूरा करना, विधि विधान से करना, यज्ञ पूर्वक करना, भक्ति पूर्वक करना, भजन पूर्वक करना, श्रद्धा पूर्वक करना। आयुर्वेद की जो औषध है, साइंटिफिक मेडिसिन, रिसर्च एंड एविडेंस बेस्ड मेडिसिन आपको देते हैं। लीवर के लिए लिवोग्रेट लिवामृत, किडनी के लिए रिनोग्रेट, पेनक्रियास के लिए पेनकोग्रीट मधुनाशिनी मधुग्रीट, इम्यूनोग्रीट, क्योंकि डायबिटीज के तीन बड़े कारण मैंने कहे हैं, एक तो पेनक्रियास में टूट फूट होने से, पेनक्रियास की हेल्थ ठीक ना होने से, पेनक्रियास में इन्फ्लेमेशन आने से, पेनक्रियाटाइटिस, पेनक्रियास ठीक से काम नहीं कर रहा, इंसुलिन पूरा नहीं बन रहा उससे, और बन रहा है कई बार इंसुलिन से, बॉडी के रिसेप्टर्स वीक हो गए, बड़ा स्ट्रेस लेवल बढ़ गया, उससे भी शुगर बढ़ गया। हम एक बीमारी के दो पांच दस कारणों से 100 कारण हो सकते हैं, डायबिटीज के 100 कारण हो सकते हैं, अलग अलग मनस्थितियों में, परिस्थितियों में, वातावरण में, किसी भी कारण से आपको डायबिटीज हो गया। अब किसी को कोई कारण नहीं, ना कोई जेनेटिक रीजन है, ना उसको कुछ हुआ, उसने स्टीराइड ले लिया उसी से डायबिटीज होगी। लो छोटे बच्चों को बुखार की दवा, टाइफाइड की दवा, उल्टी दस्त की दवा देते हैं, उनसे बच्चों को टाइप 1 डायबिटीज हो रहा है। मां ने गर्भावस्था में कुछ दवाई खाई थी उससे, जैसे अब किसी ने इंसुलिन वैक्सीनेशन करवाया था, पटापट पटा के फूट रहे, लाखों लोगों की मौत हो चुकी है पूरी दुनिया में, अब उनके हार्ट के ऊपर उसका असर आ गया। किसी का वैक्सीनेशन के कारण से नर्वस सिस्टम चला गया, किसी को सफेद दाग हो गया, किसी को सोरायसिस हो गया, किसी का कैंसर उभरा है, किसी को हार्ट की प्रॉब्लम होगी, किसी के वात पित्त कफ त्रिदोष गड़बड़ हो गई, किसी को सोरायसिस एक्जिमा उभरा है बहुत तेजी से, किसी को SLAMS ऑटोमेंडीज MND हो गया। मेरे पास तो सब लोग आते हैं, रोज देखता हूँ क्या करूँ, रोज मैं
एवरेज मेरा 250 से 500 लोगों का, जब एक दो दिन कभी हो जाते हैं तो कहीं कभी कभी वैक्सीनेशन को बहुत सारा तो बीमारी के कारण चाहे बाह्य है चाहे आंतरिक है, चाहे हमने दवाइयों के नाम पर कोई अपने शरीर के साथ छेड़छाड़ की, सिंथेटिक दवा मतलब नाम ही सिंथेटिक, दवा बुखार है सिंथेटिक दवा, सिंथेटिक विटामिन सब 99% सिंथेटिक लाइफ हो गई। अब घर में मिट्टी की पुताई होनी चाहिए, सच्ची बात तो ये है। हम क्या करते हैं उसमें कार्सोजेनिक पेंट है, 99% पेंट, ये तो जाती है गोबर से नैसर्गिक बिना पकाए, और उसका एक प्लास्टर भी बन जाता है, उसकी छत भी बन जाती है, ऐसे सोए घर बना रहे हैं बाकी केवल मिट्टी के घर। मिट्टी का एक चौका होता था, मिट्टी की पुताई होती थी, हम तो रहे हैं भाई ऐसी बात। भी मसाले पसाले वाले हैं ज्यादातर, और अब कितने नियम बना दिए खाने पीने का, आप क्या खा रहे हो आपको आपको राइट है उसको जानने का, लेकिन आपने कोका कोला और पेप्सी में पूछा कि ये जो उसका एक सीक्रेट फार्मूला के नाम पर जो लेकर के आते हैं उसका फ्लेवर, उसी का तो पैसा लेना, उन्होंने दुनिया को बता के नहीं दिया और पूरी दुनिया को फट्टी का पैसा लगा। तो राइट हमें जानने का कि तुम उसमें पी रहे हो है क्या, मंजन भूल गए यार, दंत कांति के अलावा सिंथेटिक। अरे अच्छा, और सिंथेटिक चीजें बेचने वाली सिंथेटिक दवाइयां, सिंथेटिक कॉस्मेटिक, सिंथेटिक सब चीजें बेचने वालों पर कोई कानून लागू नहीं होता, ऊपर ऊपर से लीप अप होती है। दंत कांति का तो कोई जवाब नहीं, और हम तो भगवान के विधान, दंत देश के संविधान फेल कर दिया, जिंदगी जी रहे और इसलिए दुखी। तुम्हारे कपड़े भी 99% की सिंथेटिक है, जो तुमने कपड़े पहन रखे हैं ना सिंथेटिक कपड़े, सिंथेटिक जूते चप्पल, सारी चीजों में ये सिंथेटिक चीजें, और फिर खाए जा रहे, पिए जा रहे, जिए जा रहे, अजी चल रहा है ना, अरे चल कहा रहा है, बिगड़ रहा है मामला। इसलिए वापस प्रकृति की ओर लौटना पड़ेगा, संस्कृति की ओर, सनातन की ओर लौटना पड़ेगा। इसी को मैं कहता हूँ, जड़ों से जुड़ो, बड़ों से जुड़ो, पेड़ों से जुड़ो, जड़ों से जुड़ो, बड़ों से जुड़ो, पेड़ों से जुड़ो, प्रकृति से जुड़ो, संस्कृति से जुड़ो, सत्य से जुड़ो। सत्य से बहुत काल्पनिक चीजें, आभासी चीजें। चलो अब अनुलोम विलोम करो, कपाल भाती तुम्हारे पूरा सही सोचो, सही सही करो, तो आपको दवाइयों के नाम पर जो पूरा फार्मा माफिया और ड्रग माफिया जो पूरा एक मौत का कारोबार करता, नाम योग आयुर्वेद का अमृत आपको देते और कहते भाई थोड़ा तत्परता, दो दिन से लेके दो सप्ताह और दो माह में आप सब रोगों से मुक्त हो सकते हैं, वो सारा इंतजाम हमने किया हुआ है। तो योग पूरा प्रामाणिकता से करो, आयुर्वेद की औषध पूरी प्रामाणिकता से लो, खान पान पर थोड़ा ध्यान दो, उपवास, वैज्ञानिक विश्लेषण, कारण कार्य सिद्धांत, किस रोग से, किस कारण से रोग हो रहा है, कैसे उसका निवारण होगा, सिम्टम्स और सिस्टम को एक साथ हम ठीक करते, जो गलत सिम्टम्स आते हैं आपके शरीर में, और कैसे सिस्टम गड़बड़, रोगों से आपकी ऊर्जा घट जाती है, रोगों से आपकी ऊर्जा घट जाती है, रोगों से आपकी आयु घट जाती है, प्रोडक्टिविटी, क्रिएटिविटी, उत्पादकता, सृजना धर्मिता, आपकी शक्ति, आपकी का सामर्थ्य, आपकी प्रतिभा का क्षरण होता है इन सब चीजों में, आपकी सब प्रकार की जीवनी शक्ति का, मेधा शक्ति का, सब प्रकार से नीचे गिरते हैं आप,
को सब प्रकार से हम उभारते हैं, योग से, यज्ञ से, आयुर्वेद से, नेचुरोपैथी से, और वो सारी साइंटिफिक मेडिकेशंस कैसे आपको उभारती है। चर्चा चल रही थी सिस्टोग्रीट, सिस्टोग्रीट डायमंड, फिर ओरोग्रीट की अभी चर्चा चल रही, फिर कर्क्यूमिन गोल्ड, वृद्धिवादी का काचनार, बीमारियों के लिए फिर हम बताते हैं लिवोग्रीट जूस, लिवामृत, लीवर के लिए, किडनी के लिए लिनोग्रीट, अभी मैं डायबिटीज के लिए बता रहा था तो मधुराशय, मधुग्रीट, पेनकोग्रीट, इम्यूनोग्रीट कैसे आपको उभारते हैं, मुक्तावटी, बीपी ग्रीट, बीपी से सौ कारण है, बीपी सैकड़ों कारणों का एक साथ समाधान, क्योंकि वो सैकड़ों फाइटोकेमिकल्स केवल और केवल औषधीय रासायनिक तत्व जड़ी बूटियों में पैक किए हुए परमात्मा ने, एक जड़ी बूटी में 100 से लेकर 500 हजार उसमें औषधीय ऐसे एक्टिव कंपाउंड्स 10, 25, 50 औषधियों तक प्रयोग करते हैं रोग के अनुरूप। बीपी को क्योर करते हैं हम, आंखों की रोशनी, कान की सुनने की शक्ति वापस लाते हैं, आईग्रेट से, हीरोग्रेट से, मेधावटी, मेमोरी ग्रेट, ओमेगा, मेधाक्वाद, सिरोधारा, अक्षय तर्पण आदि, ये सब नस्य कर्णपूर्ण आदि, ये सब साथ में अभ्यास कर रहे थे, पंचकर्म, षटकर्म, शुद्धिकरण, सशक्तिकरण एक साथ, हार्ट के लिए कार्डियोग्रेट, हृदयामृत, अर्जुन की चाल, अर्जुन अरिष्ट आदि, लंग के लिए श्वासारी, ब्रोंकोम आदि, अर्थराइटिस के लिए पीडानिल गोल्ड, ऑर्थोग्रेट आदि, स्किन के लिए तो डर्माग्रेट, सोरोग्रेट, मिलेनोग्रेट, गोदा, नीम का प्रयोग, इनफर्टिलिटी के लिए संतति सुधा से लेकर के यौनामृत से लेकर के अप्रतिम ऐसी औषधियां आपको सब प्रकार से ऐसे उभारते हैं, उभारते चले जाते, उभारते चले जाते, और आप खुद महसूस करते हैं। कभी कभी हम फोकस बढ़ाते हैं, उसके लिए टाइमिंग बढ़ाते हैं कि भाई अब ज्यादा समस्या आ गई है, इसलिए मैं ऑटोमेटिक डिजीज या कैंसर एमएनटी हो गया है, तो अब आपने अपने आप को संभालने में ज्यादा अपने लिए वक्त बदल गया, ये तो बीच में तो ऐसा लग रहा था कि बहुत बड़ा रोग जागरूक हो करके बीच में जवाब नहीं जैसे सूर्य उगता है, अभी सूर्य उदय हो रहा, बहुत सुंदर छटा है सूर्य उदय, धीरे 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 जैसे जैसे सूर्य की किरणें आगे बढ़ी, सारा अंधेरा छट गया। ऐसे योग का सूर्य, आयुर्वेद का, सनातन का सूर्य, जब आप सनातन के तत्व आपके जीवन में समाहित होते हैं, सारे रोग, सारे विकार, अंधेरा, सारे दोष छटते चले जाते हैं। असतो मा सत्यम तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतम गमय हो जाते हैं आप, न तत् सिरोगो न जरा न मृत्यु प्राप्त से योगाग्निमयम शरीर की तो महिमा। संसार में जिनको बड़े लोग कहते हैं, कोई बहुत अलग काम नहीं करते, जिस काम को करते हैं उसको पूरी प्रामाणिकता, वैज्ञानिकता और निरंतरता, सातत्य के साथ करते, कोई सात्यता और दिव्यता के साथ करते, उसमें अपना सब कुछ डाल करके, सब कुछ आहूत करके उसको करते हैं, इतनी सी बात। तो योग भी अपना सर्वस्व आहूत करके करना, तो ये तो बात हुई योग की। कल बात संकेत में की थी, आज पूरी बात कर, जैसे चिकित्सा में हम एक एक सेल जीन पर आपके ऑटोफेजी, माइटोफेजी और पूरा एपोप्टोसिस, सारे केमिकल्स और हार्मोन्स के लेवल पर, बॉडी की पूरी सिग्नलिंग, पूरा बॉडी का कोऑर्डिनेशन, कम्युनिकेशन, दिवि सूर्य सहस्रस्य भवेत् युगपत् उत्थितः, दिवि सूर्य
सहस्रस्य भवेद्युपद्बुद्धिता यदि सदृशी सा स्यात् भाससस्ना। सूर्य के पास फटकने की लाखों किलोमीटर दूर भी जाने की किसी के मत निवास जो जाता है सब मेल्ट हो जाता है। तो कहते योगी के शरीर में ऐसी आंतरिक आध्यात्मिक दिव्य ऊर्जा स्पंदन पैदा होते हैं, ऐसी ओरा पैदा होती है उसके भीतर, ऐसी योगाग्नि, ऐसा उसका आभा मंडल हो जाता है, उसके रोग विकार सब दूर हो जाते, निर्बीज दग्ध बीज हो जाते। ऐसा योग करो आप, लंबा कर, लंबा करना है आपको। तो योग कब की बात हुई, अब विदेशी चिकित्सा, विदेशी शिक्षा का जहर तो उससे भी ज्यादा गहरा है। एक मैं काले ऐसे बीज बो करके गया, शिक्षा के नाम पर हमको क्या पढ़ाया जा रहा है, अक्षर। शिक्षा के नाम पर हमको क्या पढ़ाया जा रहा है, केवल भाषा बोध, नॉलेज ऑफ लैंग्वेज, नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट। हमको कुछ चीजें बता देते हैं, वैसे तो जीवन में सब कुछ आता ही है ना, पेड़ पौधों के बारे में बता देते हैं, प्रकृति पर्यावरण के बारे में बता देते हैं, थोड़ा इतिहास के बारे में बता देते हैं, सोशल साइंस एंड हिस्ट्री, थोड़ा मैथ, थोड़ा फिजिक्स, थोड़ा केमिस्ट्री, थोड़ा बायोलॉजी, ये छोटी छोटी बातें बता देते हैं, थोड़े कुछ विज्ञान के सूत्र भी सिखा देते हैं। और हम कहते हैं हमारा बच्चा को कॉन्वेंट स्कूल में जाता है, इंग्लिश स्पीकिंग स्कूल में जाता है, इंग्लिश स्कूल में पढ़ता है, इंग्लिश बोलने को हम लोग इतने बावले हैं, उसी को हमने सोचा हमारा बच्चा बहुत होशियार होगा, इंग्लिश बोलता है। एक हरियाणा का आदमी लंदन में चला गया, बोला भाई चाड़ा फट गया, वहां तो झाड़ू मारने वाले थे अंग्रेजी में बोल रहे हैं। अरे भाई वहां की भाषा ही है, झाड़ू मारने वाले सफाई करने वाले सब बोलेंगे अंग्रेजी, उसमें क्या बड़ी बात है, अंग्रेजी बोलना कोई बहुत बड़ी बात है, सब वहां के मजदूर बेचारे रेड इंडियन अबोरिजिनीज इधर उधर, मैंने देखा सारे अनपढ़ लोग भी अंग्रेजी में बात करते, भाषा तो हमको दसवीं भाषाएं आती है, तो बोलते हो भाषा आती है, क्या सब्जेक्ट, सब्जेक्ट बहुत सामान्य बात है, तो बहुत बड़ी बात है। द नॉलेज ऑफ लैंग्वेज एंड नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट, नॉलेज ऑफ हिस्ट्री, दिस इज नॉट एजुकेशन, ये तो एजुकेशन का एक प्रतिशत पार्ट है, जो अभी मैं 1% और 99% की बात कर रहा हूँ। शिक्षा वो होती है जो आपको अपने बारे में बोध कराए, आप कौन है, आपकी शक्ति क्या, आपका सामर्थ्य क्या है। बाकी चीजें ठीक है, होनी चाहिए, मैं उसका विरोधी नहीं हूं, हमने भी जाना इन तत्वों को, और इसीलिए आपके सामने प्रामाणिकता से बात कर रहे हैं। लेकिन शिक्षा ऐसी होनी चाहिए कि आपके बच्चों के भीतर वो ऊर्जा भर दे, वो स्वाभिमान भर दे, वो शौर्य भर दे, उनके बॉडी की माइंड की ऐसी प्रोग्रामिंग कर दे कि वो बच्चे दुनिया की आंधी बाधाएं तूफान संघर्ष चुनौतियों को चीरते हुए ऐसे आगे बढ़े कि वो पूरी दुनिया में छा जाए, वो आपके कुलवंश का गौरव बढ़ाने के साथ भारतवर्ष का गौरव बढ़ाए। और वो मात्र इतिहास पढ़ने वाले ही नहीं, इतिहास घड़ने वाले बने, वो 18-18 घंटा पुरुषार्थ करने वाले बने, कोई रोग कोई विकार दुनिया का कोई आंधी तूफान उनकी गति को रोक ना पाए, ऐसे बच्चे तैयार। सुबह 4 बजे से लेकर के रात के 10 बजे तक ये अभ्यास से होता है। अब तुम माँ बाप उठते हैं 9-10 बजे तो बच्चे तो उसके बाद ही उठेंगे। तुमने अब स्कूल किसी का जल्दी आता है तो जल्दी भले उठ जाए, अच्छा कुछ तो माँ बाप ऐसे होते हैं बच्चे को तैयार करके फिर सो जाते हैं, बच्चे को स्कूल भेज दिया फिर सो गई, मैया भी सो गई और बाबू भी सो गए।